हेलो एवरीवन, अपने इस वीडियो में हम स्क्रैच सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्क्रैच किस तरीके से यूज़ किया जाता है और स्क्रैच में जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ हैं हमारे पास जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन और कौन सा स्क्रीन का जो पार्ट है वो किस लिए होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक लेफ्ट मोस्ट साइड पे एक कैट बनी हुई नज़र आ रही होगी जिसका वाइट बैकग्राउंड है, तो ये बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर की स्क्रैच की एक आउटपुट स्क्रीन है। जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो आपको इस आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देती है। दैट मींस के जो भी आउटपुट आएगा वो कैट एज एन ऑब्जेक्ट आपको मूव करके दिखाएगी, क्योंकि स्क्रैच एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। दैट मींस के आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो किसी एक सर्टेन ऑब्जेक्ट पर लिख रहे होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक स्प्राइट होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक कैट है। अब ये स्प्राइट किस तरीके से सेलेक्ट की जाती हैं या क्या होती हैं, उसके लिए हमारे पास इसी लेफ्ट पे इसी सेक्शन के नीचे वाला जो सेक्शन है, जहाँ पे आपके पास ये कैट एक ब्लू बॉक्स से कवर हुई हुई है, एक सेलेक्ट हुई हुई है। दैट मींस कि आप जो ऑब्जेक्ट पे प्रोग्राम कर रहे हैं आपका वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी लाइन में ऊपर यहाँ पर एक न्यू स्प्राइट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये न्यू स्प्राइट का ऑप्शन में बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है, जिस पर वो कहता है कि चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट पे आप अलग अलग प्रोग्राम लिख के दिखा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बेयर भी सेलेक्ट कर लिया, आप दैट मींस कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो जिस ऑब्जेक्ट पे ये ब्लू बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है और आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही होगा। सो क्योंकि यहाँ हमारा पहला इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम सिर्फ कैट पे ही इसमें प्रोग्राम करेंगे, तो हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए है वो है हमारा सबसे राइट मोस्ट एरिया, जो कि ग्रे कलर में है, जो कि और बहुत बड़ा सा एरिया है। इस बड़े सा एरिया इज़ बेसिकली आपका प्रोग्राम लिखने की जगह है, जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स को आपस में ज्वाइन करके एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है, एक प्रोग्राम ही है, जो कि मल्टीपल ब्लॉक से मिलके बन सकती है या एक ब्लॉक से भी बन सकती है। उसके बाद हमारे पास जो इन दोनों के बीच में जो ये एरिया है, जहाँ पे हमारे पास ऊपर 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिसमें मोशन है, लुक्स है, इवेंट्स है, सेंसिंग है, कंट्रोल है, साउंड है, पैन है, डेटा है और ऑपरेटर्स एंड मोर ब्लॉक्स है। सो इसी तरीके से हमारे पास हर एक ऑप्शन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स हैं, उस ऑप्शन से रिलेटेड रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग के लिए कुछ ब्लॉक्स मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप साउंड का देखें कि जैसे साउंड ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो उसमें साउंड से रिलेटेड जितने भी आप ऑप्शन हैं ब्लॉक्स को इस्तेमाल करने के, वो सब रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर मोशन में देखें तो मोशन में भी आपके पास मोशन से रिलेटेड ब्लॉक्स हैं, जो कि मोशन या मूव होने वाले ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह कंट्रोल्स में हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, जो कि हम आगे अपनी वीडियोस में स्क्रैच के साथ डिस्कस करेंगे कि इन ब्लॉक्स का क्या मतलब होता है और किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं या किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आई होप जब आप लोग स्क्रैच को यूज़ करेंगे तो आप लोग ख़ुद इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक के अंदर कौन सा कैटेगरी में कौन सा ब्लॉक है और वो कौन सा ब्लॉक कैसे काम करता है। सो ये हमारे मेन इम्पॉर्टेंट चार ऑप्शंस हैं, चार एरियाज हैं हमारे सॉफ्टवेयर के, स्क्रैच के सॉफ्टवेयर के, जो कि आपके यूज़ में सबसे ज़्यादा आएंगे और आपको इन्हीं चार को यूज़ करते हुए अपने ज़्यादातर काम करने हैं। तो आइए सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम हम बेसिकली मोशन का ब्लॉक को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। और इसमें सबसे पहले प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, इसमें प्रोग्राम को लिखने का बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि आप जो भी ब्लॉक्स हैं उसको प्रेस अपने माउस के राइट क्लिक को उस ब्लॉक के ऊपर ले जाके प्रेस करके होल्ड करके रखें, और होल्ड करके रखते हुए आप उसको ड्रैग करके राइट हैंड साइड वाले एरिया पे लाके ड्रॉप कर दें, या अपना बटन को प्रेस छोड़ दें। तो जब आप उसको छोड़ देंगे और जब कोई भी ब्लॉक इस ग्रे एरिया में आ जाता है, दैट मींस कि आपने अपना एक प्रोग्राम के लिए एक स्क्रिप्ट लिख दी। अब एक ब्लॉक भी स्क्रिप्ट हो सकती है, एक से ज़्यादा ब्लॉक भी स्क्रिप्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोग्राम कितना बड़ा और
कितना ऑप्टिमाइज या कितना एफिशिएंट बनाते हैं, जिसमें ब्लॉक्स का एक से ज़्यादा इस्तेमाल होना भी हो सकता है। सो लेट्स से कि अगर मेरा यही एक प्रोग्राम है जिसमें कैट मूव कर रही है 100 स्टेप्स, तो इस कैट को मूव कराने के लिए अगर 100 स्टेप्स का मैं एक प्रोग्राम लिखूँ तो मैं एक ब्लॉक में भी लिख सकता हूँ और मैं मल्टीपल ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके भी लिख सकता हूँ। और मल्टीपल ब्लॉक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि आप एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के नीचे या दूसरे ब्लॉक के ऊपर ज्वाइन कर दें। तो जैसे ही आप ज्वाइन करने लगते हैं तो आपका एक बड़ा प्रोग्राम बनता चला जाता है। दैट मीन्स कि आप एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी एक प्रोग्राम लिखने के लिए। क्योंकि लेट्स से कि मेरे पास एक सवाल है कि अगर मुझे 100 स्टेप मूव करना है, तो 100 स्टेप मूव करने के लिए मेरे पास एक लाइन का भी प्रोग्राम हो सकता है और एक से ज़्यादा लाइन का भी प्रोग्राम हो सकता है। जब तक ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दैट मीन्स कि आपने दो डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखे हैं, दो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिखी हैं प्रोग्राम को परफॉर्म करने की। अगर एक एक ब्लॉक भी 100 स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है, तो ये तीन ब्लॉक भी 100 स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? मैं इनके नंबर चेंज कर दूंगा। तो लेट्स से कि मैंने इनका एक नंबर कर दिया, एक का 50, एक का मैंने कर दिया 30 और एक का मैंने कर दिया 20। इसको स्टेप्स मूव करने के लिए होगा क्या कि हमारे पास जो टोटल स्टेप्स हैं वो हमारा ये टोटल नंबर है। जितने टोटल स्टेप्स आप नंबर्स लिखते जाओगे वो सारे नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे और फिर उस तरीके से कैट मूव कर जाएगी, राइट? तो एक ब्लॉक भी 100 स्टेप्स चल रहा है और ये तीन ब्लॉक्स भी टोटल 100 स्टेप्स ही चल रहे हैं, लेकिन ब्रेक होकर चल रहे हैं 50, 30 एंड 20। तो आइए दोनों का आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो जब ये ब्लॉक रन हुआ तो इसने 100 स्टेप्स आगे मूव कर दिया, और अगर हम इसको दोबारा पीछे रख के देखें तो हमारा जो ये वाला ब्लॉक है ये भी बेसिकली 100 स्टेप्स ही चला, राइट? तो ये जो 100 स्टेप्स दोनों चले हैं ये बिल्कुल सिमिलर प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल सेम प्रोग्राम्स हैं, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो हमारे पास प्रोग्राम लिखने के एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि हम दूसरे ब्लॉक से यूज़ करते हुए इन प्रोग्राम्स के साथ और क्या-क्या कर सकते हैं।